सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। फौरन सुल्तान मौसम के पास जाओ, तुम आगा करो सूरत हाल से। उस मोहल्ले की अहमियत है तो सुल्तान मौसम को मालूम होना चाहिए। आप इन्हें मुंतशिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और बंदूकों को लाठियों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंजू नामी एक अतालवी आदमी आपको लेने आएगा। आप पहले इटली और फिर उसके बाद पेरिस जाएंगे। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर अस्करी दर्जगाह के तालिबेन थे और उनमें से कुछ को मैं जानता भी हूँ। वेम्बरी ने अब्दुल कादिर को राजी कर लिया है, वो पेरिस जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाही के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें रियासती रिवायात इंतजामिया और तरीकाकार समझाया जाए ताकि हम मुकम्मल वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। ये तलवार बादशाही की अलामत है भाई। हम चाहते हैं ये झंडा अस्करी दरसगाह में लगाया जाए। वो सुल्तान मौजम पर अपने बाबा के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी। देखिए अब्दुल कादिर, रियासत हर चीज पर मुकद्दम है बेटा। आपके दिल की मायूसी रियासत से ज्यादा अहम नहीं है। अगर आपने एक बार महल छोड़ दिया तो आप वापस नहीं आ सकते। आपके बाबा कबूल कर भी लें तो हम नहीं करेंगे। फिक्र न करें वालिदा, हमारे जाने के बाद बाबा की तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनकी राय में हम जैसा शहजादा रियासत का अहल नहीं बन सकता, ना कल, ना आज और ना आने वाले कल में। वो हम पर कभी एतमाद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप अपनी कदर खुद नहीं करते बेटा। आपकी इस रियासत की निगाह में, इस कौम की निगाह में और अपने बाबा की निगाह में क्या कीमत है अगर ये जान जाए आप, तो आप अपने ख्याल पर शर्मिंदा होंगे। आप इस रियासत और कौम के शहजादे हैं अब्दुल कादिर। हमें शहजादा होने की परवाह नहीं है, हम सिर्फ अपने बाबा के लायक बेटे बनना चाहते हैं, जो हम नहीं बन सके। तुमने फैसला नहीं किया अब तक? तुम अपने बाबा का इंतकाम नहीं लेना चाहती? मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। अपने दर्द के साथ अपनी जिंदगी जियोगी। तुम उनसे अपना बदला लेकर ही अपने दिल की आंखों बुझा सकोगी विक्टोरिया। सुल्तान मौज़म,
खलील खालिद साहब ने कत्ल के मामले की तहकीकात की है। क्या कुछ मिला उन्हें? अमानतदार नामी एक शख्स पाया तख्त पर कब्जा करना चाहता है। सिरिंज पे मोहल्ले के लोगों को खौफजदा करके उन्हें घर खाली करने पर मजबूर कर रहा है। कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया है उसने। आखिर उसका मकसद क्या है? एक ही मकसद है पाशा, उस्मानिया सल्तनत का खात्मा। लेकिन इसका अंजाम भी सबकी तरह बुरा होगा। उस अतालवी का कुछ मालूम हुआ? बिल्कुल सुल्तान मौजम, इंद्रान गीता तंजीम का नुमाइंदा है वो। खलील खालिद साहब उसके ताकुब में है। हमारी बात गौर से सुनो उस्मान। हम जा रहे हैं, अब हमें हकीकी आजादी मिलेगी। हम खुद को अपने हवाले करते हैं, हमें अपने आप पर यकीन है। जैसा हमने कहा वो हमारा हुक्म पूरा करें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये क्या है पाशा? अस्करी दरसगाह से एक हादसे की खबर है। हादसे की तफसीलात मालूम कीजिए पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तानी मौसम। ऐ मेरे जद अजीम सुलेमान, हमारे पास तलवार है जो आपने बलगरात, रुडोश, मोहाज, बोजदान और बुडापेस्ट में अपने साथ बांध रखी थी। आपका नसब शहजादा अब्दुल कादिर से जारी रहेगा। क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, वो हमारी अस्करी दरसगाह में अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं और बर्तानिया का झंडा लगा रहे हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। खलील खालिद साहब से कहो कि वो ये मामला संभालें। तहसीन पाशा, उस्मान को इस पूरे मामले की तफसीलात से आगाह कर दें। जैसा आप कहोगे। अब्दुल कादिर महल से निकल चुका है। और तलवार? उसने तलवार को अपने सामान में रखा और महल से निकल गया। हमें खानदान तोड़ रहे हैं फुआद। हमने अब्दुल हमीद से उसका शहजादा छीन लिया है। उसने अपने बाबा की तख्त की अलामती तलवार चोरी की और अब पेरिस में उसे अपनी कमर से बांधे का। अब्दुल हमीद तकरीबन माजूल हो गया है ना? है ना? हम अब्दुल हमीद के सामने होना चाहते हैं जब उसे पता चले कि शहजादा चला गया। उसने अपने बाबा और उनकी रियासती अहलियत को मुस्तरद कर दिया। हम वहां खड़े होकर उसकी आंखों में मायूसी देखना चाहते हैं। अब्दुल हमीद को इत्तला दो के आ रहे हैं हम। क्या तुर्कों ने सदियों तक इसलिए जद्दोजहद की थी कि बर्तानिया का परचम उनकी सरजमीन पर बुलंद हो? हम किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। बताइए हमें ये कैसी जुरत है बादशाह? हमारे मुखालिफिन का यही ख्वाब है। वो चाहते हैं कि परचम बदल जाए,
वो चाहते हैं कि अजान ना हो, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना छोड़ दें। तहसीन पाशा, अल्लाह शाहिद है इस बात का, हमसे यह असियत बर्दाश्त नहीं होगी। चाचा, सुल्तान मुअज्जम ने दो जिम्मेदारियां दी हैं। तुम एंजू हो? जी शहजादी। तलवार इसमें है। जहाज में आपके लिए आरामदेह कमरा मुख्तस करवाया है। आपके लिए यह सफर बहुत खुशगवार होगा। हम पहले इटली जाएंगे, फिर वहां से पेरिस पहुंचेंगे। बंदरगाह चलो। हमें याद है सबाहतीन के हमल के वक्त आशूरे खाने की हमें बहुत तलब होती थी। हम आधी रात को उठकर आशूरे बनाते थे। विक्टोरिया, आप ठीक हैं बेटा? आपको कुछ चाहिए? विक्टोरिया, लजीज खाना बना है। वालिदा और पुपी जान तो नहीं खा रही, आ जाइए हम मिलके खाते हैं। हम आपकी तरह दो जाने थोड़ी हैं जो इतना सब खा जाएं। विक्टोरिया, ये आप क्या कर रही है? पिस्तौल नीचे कीजिए। सिपाहियों, बाबा के असल कातिल का पता चल गया। नाने के साथ आप ये क्या कर रही है? पिस्तौल नीचे कीजिए। तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के कातिल है नाई में? नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, खत्म कीजिए ये पागलपन। वो इसकी कीमत अदा करेगा। मेरे प्यारों को मार दिया अब्दुल हमीद ने, अब मैं उसकी प्यारी बेटी को मार दूंगी। नहीं, मैं ये करूंगी। नहीं विक्टोरिया, मत करो ऐसा। पाशा, सुल्ताने मुअज्जम मौजूद हैं तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप इंतजार कीजिए। पाशा, सुल्ताने मुअज्जम मौजूद हैं तो ये मिलना चाहते हैं। सुल्ताने मुअज्जम फिलहाल अस्करी दस्तगाह के मामले में मसरूफ हैं, अभी नहीं मिल सकते।
जहाज पर सवार हो जाइए। और आप? हम आते हैं, एक छोटा सा काम है। ये बहुत आम है, इसे मत खोलिएगा। और हाँ, हम आपके तैयार किए हुए कमरे में नहीं ठहरेंगे। हमने अपने लिए साथी कमरा मुख्तस किया है, कमरा नंबर 101। ये ले जाकर वहीं रखते हैं। ठीक है शहजादे। पाशा, क्या सूरत हाल है? अस्करी दरसगाह में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको मालूमात है? जी हाँ, सूरत हाल संगीन है। ये उसके लिए एक धजका होगा जिसके जुल्म का आप निशाना बन रहे हैं। खौफजदा ना होना, क्योंकि बरतानवियों की हिमायत के बगैर इस जुल्म को खत्म नहीं किया जा सकता। तुम्हारा नाम तारीख में आजादी के लिए लड़ने वालों की हैसियत से लिखा जाएगा। बुरी नीयत से पड़ने वाले हाथ को तोड़ दिया जाएगा। ये तलवार कानूनी सुल्तान की है। इस तलवार ने जंग में बहुत से दुश्मनों के सर कलम किए। शहजादे ने क्या खुफिया आदत डाले होंगे? मुहाज जंग की तारीख दादार, हिजरी या फिर ईसवी? महमद साहब दर्ज करते तो हिजरी के हिसाब से, और अब्दुल कादिर साहब ईसवी के हिसाब से, यानी 1526। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताओ मुझे, मुहाज की जंग में 2 घंटे में कुफार के लश्कर को समीबोस करने वाले सुल्तान मोहतरम की ये तलवार तुम्हारा सर कलम करने में कितनी देर लगाएगी? या अल्लाह।
अब्दुल कादिर है। सुल्ताने मौसम, सुल्ताने मौसम से बेवफाई की तौफीक न दे। आप इम्तिहान में सुरखरू हो गए बेटे, अब आप मुकम्मल तौर पर शहजादे हैं। हम जानते थे कि एक दिन हकीकत आप जरूर समझेंगे। आइए हमारे किले के मजबूत तरीन मुहाफिज अपना फरीजा पूरा कर लिया हमने, अपने भाई जामघोष का इंतकाम भी ले लिया। जो शख्स पाया तख्त को तबाह करने आया था उसकी लाश को यहां जमीन भी नसीब नहीं होगी। हमारे बहादुर दादा सुलेमान की तलवार अब हमारे बच्चों के हाथों में है। वो जो मुहाज और जगीदार के बाद बच गए थे, अब उनसे हिसाब ले रही है ये तलवार। हमारे दादा को कानूनी और अजीम सुल्तान का जो लकब मिला वो इसी तलवार की बदौलत था जिसने दुश्मनों का सफाया कर दिया। तलवार को थामने की सआदत मुझे भी नसीब हुई। रियासत के काम आना खुशकिस्मती है, अपने नसीब पर फख्र है मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि शहजादा अब्दुल कादिर ने इस तलवार की हकीकत को समझ लिया और हमें हर बात से आगाह कर दिया। सुल्ताने मौसम, हमें सबाहदीन की तरफ से खत आया है। वो चाहते हैं कि हम पेरिस अपने दादा कानूनी सुल्तान सुलेमान की तलवार के साथ जाएं और नौजवान तुर्कों की कयादत करें। हमने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने सोचा कि शायद आपके पास कोई मंसूबा होगा। हमें यहां से एक एंजू नामी अतालवी लेकर जाएगा। वैम्बेरी साहब ने भी हमें कायल करने की कोशिश की, लेकिन हमने फैसला किया कि हमसे पहले ही बहुत गलतियां हो गई हैं, इसीलिए अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमारे बेटे अब्दुल कादिर ने हमें सब कुछ बता दिया था। उस्मान ने भी हमें बताया कि आप उस एंजू नामी शख्स के पीछे हैं। सुल्ताने मौसम, वैम्बेरी साहब का क्या होगा? अगरचे उन्होंने मुझे इस मामले पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे माजी की खुशगवार यादों की बिना पर उन्हें सजा ना दी जाए। हमने वैम्बेरी साहब से पूछा। हम अपने तमाम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वैम्बेरी साहब। वो बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन नौजवान है लिहाजा ये आम बात है। जरूरी हो तो हम उन्हें सजा भी देते हैं। इसी हवाले से सोचिए, जब हम अपने बच्चों को सजा दे सकते हैं तो फिर उन्हें तकलीफ पहुंचाने वालों के लिए कैसी सजा होगी? सुल्ताने मौजम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इंसानों के काम आना ही मेरा काम है, आप जानते हैं। मुझे जो कहा जाता है वो मैं करता हूं, लेकिन अगर कोई मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो जाए तो मैं उसके बरक्स भी काम कर सकता हूं। क्या मतलब वैम्बेरी साहब? सुल्तान मौजम,
नौजवान तुर्कों ने हमारे शहजादे अब्दुल कादर के नाम खत भेजा है। उन्होंने उनको दावत दी है। जनाब रूथशाइल्ड ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि मैं शहजादे को कायल करूं, और मैंने शहजादे को कायल करने की कोशिश की, लेकिन अब आपके पूछने पर मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आपने अपनी जिंदगी बचा ली है वेम्बरी साहब। हमारे बेटे अब्दुल कादर ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप अगर अभी ये सब कुछ हमें ना बताते तो एक दर्दनाक अंजाम आपका मुंतजर था। अब वेम्बरी साहब, आप हतमी फैसला कर लें, या तो आप हमारे खुले दुश्मन बन जाएं, या फिर एक वफादार दोस्त बनकर रहें। सुल्ताने मौसम, मैं सब कुछ समझ गया हूं, लेकिन मैं वेम्बरी साहब को समझ नहीं पाया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपने उन्हें जाने क्यों दिया जबकि वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वेम्बरी साहब के दो चेहरे हैं, हम जानते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हमने उन्हें क्यों छोड़ दिया, तो हम बताते हैं। ये सियासत है खलील खालिद साहब। वेम्बरी साहब सियासी तौर पर सूदमंद है, लेकिन वो तब तक जिंदा हैं जब तक हमारे लिए फायदा मंद रहेंगे। अब्दुल कादिर साहब, ये आपके लिए एक मिसाल है, बहादुरी और वफादारी की मिसाल। इन पर कई बार बोहतान लगाए गए, लेकिन ये कभी रियासत से खफा नहीं हुए। मेरी रियासत से खफा ना होने की सिर्फ एक वजह है। मैं जानता हूं रियासत का सरबरा सबसे मजबूत किला है, और ये किला कई मुश्किलात के बावजूद भी तमाम मजलूमों की दायमी पनाहगाह है। बेटे अब्दुल कादिर, क्या आप हमसे वादा करते हैं कि हर वक्त अपनी रियासत से वफादार रहेंगे, दिलो दिमाग में मौजूद ईमान पर यकीन रखेंगे, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो भी हमेशा साबित कदम रहेंगे, ये वादा करें हमसे? वादा करते हैं सुल्तान मौसम, वादा करते हैं। माशाल्लाह। जहाज के चलने का वक्त हो गया है, अब्दुल कादिर चला गया होगा। अब्दुल हमीद को इस बारे में मालूम हो गया होगा कि शहजादे ने पाया तख्त छोड़ दिया है, ये उसके लिए बड़ी तबाही होगी। हाँ बादशाह, अस्करी दर्जगाह में हमारे इकदाम काम आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि वो बर्तानिया का परचम नहीं लहरा सके। अगर वो हमारे झंडे को छूने की कोशिश करेंगे तो हम उनके हाथ तोड़ देंगे बादशाह। अपनी रियासत का झंडा हरगिज़ सरनिगुन नहीं होने देंगे। सुल्तान मौज़्ज़म फुर्सत पाने के बाद आपको बुला लेंगे। वो जो हमें बीमार समझते हैं पाशा, वो इस बात से नावाकिफ हैं कि हम इलाज करवाने में देर नहीं करते। मैंने नहीं आगा किया था। किस बारे में? विक्टोरिया ने मेरे लिए खत छोड़ा था। अपने बाबा के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद करने की माफी मांगी उसने। उसने लिखा कि उसके वालिद की मौत का सबब सुल्तान मौज़म है। क्या? ये सुल्तान मौज़म की औलाद को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला लेना चाहती थी। इसे पढ़ने के बाद मैंने मुहाफिज को इत्तला दी। वक्त पर पहुंच गई मैं, शुक्र है। नाइमे, नाइमे बेटी, क्या? नाइमे बेटी, आप ठीक है? नाइमे, तबीबा को बुलाइए, तबीबा को बुलाइए फौरन। नाइमे,
मेरी प्यारी बेटी, सब ठीक है सब। अब घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। देखिए, हमारा बच्चा कैसा है? नाय में बेटी, मेरी प्यारी भतीजी, अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया। शुक्र है, हम बहुत खौफजदा थे। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। हम ठीक हैं। हमारा बच्चा कैसा है? हमारा बच्चा ठीक है? हाँ नाय में बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आप पुरसकून हो जाइए और इस वक्त आराम कीजिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए शाबाश, हमने खो दिया उसे, हमने खो दिया। हाँ, हमने अपना बच्चा खो दिया। नाय में बेटी, हमारा बच्चा, हमने अपना बच्चा खो दिया। आप मिलना चाहते थे हमसे? जी बिल्कुल, तिजारती उमूर के बारे में बातचीत करनी थी। क्या वाकई यही बात है? आ जाइए। सुल्तान माजम, शहजादा अब्दुल कादिर। मिलने की ख्वाहिशमंद है आपसे। हमारे शहजादे अब्दुल कादिर, वो आ सकते हैं। पाशा, बुलाइए उन्हें। दरवाजा खोलो। आइए शहजादे। सुल्तानी मौसम। शहजादे, ये साफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तलवार पर खून लगा हुआ था जिसे हमारे बेटे ने साफ कर दिया। जब तक हमारी तलवार ऐसे ही चमकती रहेगी, गद्दार ये चमक देखकर हमेशा खौफजदा रहेंगे। क्या नायब सुल्तान अपने कमरे में है? नहीं, अस्पताल में है। उनकी तबीयत बेहतर नहीं। उन्हें अपने बच्चे को लिबास पहनाना नसीब नहीं हुआ, अफसोस हुआ। शुक्र है हमारी शहजादी खैरियत से हैं। इंशाल्लाह एक दिन माँ भी बन जाएंगी। इजाजत दीजिए मुझे। सुल्ताना, मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी। कैसी हैं आप? और नाहमे कैसी हैं? वो कैसी होंगी, बच्चा खो देने पर गमगीन है वो। हम भी अपने नवासे के लिए अफसरदा हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी लौटा दी। जो भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है। जब हमें पता चला था कि नायमे होने वाली है, तब हमने ये बुना था। हम बहुत खुशी से उनकी आमद के मुंतजर थे। बहुत तेजी से गुजर गया वक्त। जी वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हमें पता चला कि हमारी बेटी नायमे हामिला है, तो हमने ये उन्हें दे दिया। उनकी आंखों में भी वही जोश व खरोश था, लेकिन अब वो एक तवील दुख का शिकार है। उनकी आंखें उदास हैं। मेरी सुल्ताना, काश मैं कुछ कर सकती आपके लिए। शिवनास खातून, आप पहले ही हमें हमारी कायनात दे चुकी हैं,
हमारी बच्ची जिंदा है इसके लिए आपका शुक्रिया। दरअसल हमें बहुत खुशी होगी अगर हम किसी भी तरह आपके कुछ काम आ सके। अस्तग़फ़िरुल्लाह सुल्ताना, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। मेहरबानी कीजिए बिला झिझक हमें बताएं आप क्या चाहती हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी करके काम आना चाहते हैं हम। तो फिर मैं दो अदना दरख्वास्तें करना चाहूंगी। पहली ये कि मैं खुद सुल्तान मौसम से मिलकर इस मामले के बारे में तफसील से बात करना चाहूंगी। और दूसरी ये किसी चीज का मुतालबा करना हरगिज नहीं होगा। मैं चाहती हूं आप मुझ पर एतमाद करें। अगर आप मेरी दोस्ती और मेरी अच्छी नीयत पर एतमाद करें तो यह आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफा होगा। आपकी दोस्ती पर एतमाद करेंगे हम। बहुत शुक्रिया सुल्ताना, मैं खुद को आपकी दोस्ती के काबिल साबित करूंगी। ठीक है, हम इसे यहाँ से ले जाते हैं ताकि नायमे इसे ना देखे। इंशाल्लाह एक दिन उन्हें दोबारा ये देंगे। नायमे सुल्तान बहुत खुशकिस्मत है जिनकी आप जैसी वालिदा है। मैंने अपनी वालिदा को बचपन में खो दिया था। क्या वाकई? फिर आपकी परवरिश आपके बाबा ने की? नहीं, मामू ने। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। फरमाइए मोहतरम, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं कितनी मर्तबा बताऊं तुम लोगों को ये बात कि मैं यहां से जाना चाहता हूं। जनाब, हम भी आपको कितनी मर्तबा बता चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं। मेरी दरखास्त है कि हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें। जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तो फिर सब बेनकाब हो जाएगा। फिर तुम उस शैतान के साथ जहन्नुम में जलोगे जिसके लिए तुम काम करते हो। खलील खालिद ने अंजू को कत्ल कर दिया। उसने अपने आदमी का इंतकाम ले लिया हमसे, यानी हिसाब बराबर हो गया। खत्म कर देंगे। मैं ऐसी कोई चीज नहीं चाहता जिससे हम उसके बराबर हों। हम किसी को भी मार सकते हैं, अगर हम इसे खून के साथ नहीं खत्म करते तो इसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा होगा। पुरसुकून रहो जानियन, जो तुम चाहते हो वही होगा। हम खून बहाएंगे और लोगों को मारेंगे, लेकिन अभी हमारे पास अहम मामलात हैं। पाए तख्त हमारी मुट्ठी में होना बहुत जरूरी है। हम इंतकाम या बदले के लिए खून नहीं बहाएंगे, लेकिन हम उन्हें माफ भी नहीं करेंगे जो हमारे रास्ते में आएंगे। क्या हम दिफाई अंदाज में रहेंगे? चारहाना अंदाज में दिफा करेंगे हम गारो। तुम्हारे पास जुए का अड्डा होगा और तुम्हारे पास वो मोहल्ला। गारो, वो मोहल्ला हमारे लिए अहम है। मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए वो मोहल्ला हमारे पास होना लाजमी है। आखिर हमने अपने भाई जामगोज का इंतकाम जान के बदले जान और खून का बदला खून से लिया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। अल्लाह ने हमें अपना वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं भतीजो। वो पाया तख्त का खून चूसना नहीं छोड़ेंगे। उनका हमारे मोहल्ले के करीब आना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई भी यतीमों का हक जुआ खाने में जाया करे, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। हम जुए के अड्डों को उनके हाथ में नहीं छोड़ेंगे। तथा उस्मान और नादिर साहब को लो और छापा मारो। सबको मालूम होना चाहिए कि हम जुए खाने से कमाई नहीं करने देंगे। जनाब, हम वहां छापा मारेंगे, लेकिन मोहल्ला भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं खुद अपने भतीजों के साथ मोहल्ले की हिफाजत करूंगा। जरूर कोई वजह है उनकी इस मोहल्ले को हासिल करने की। इसमें उनका कोई फायदा होगा।
उस मोहल्ले पर मुसल्लत होने वालों पर हम मुसल्लत हो जाएंगे। आ जाएं। शिवनाज खातून आई हैं सुल्तान मौज़म। आ सकती हैं। आप हमसे मिलना चाहती थी। जी सुल्तान मौज़म, दरख्वास्त कबूल करने के लिए शुक्रिया। आपने हमारी बेटी नायमे सुल्तान की जिंदगी बचाई, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। बताइए क्या चाहती हैं आप। नसीम साहब के कत्ल की वजह से पैदा होने वाली गलत फहमियों के बायस आपने मुझे गलत समझा। खौफ ज्यादा थी इसलिए वजाहत देने आ गई। बस हर कोई अपने जुर्म का खुद कसूरवार होता है, कोई दूसरा हरगिज नहीं। इसीलिए नसीम साहब की बेटी को बतौर मेहमान रखा हमने, जो बज़ाहिर हमारी गलती थी। मुझे आपके मेहरबान होने पर और आपकी मेहमान नवाजी पर कभी शक नहीं रहा। मैं खुद से नाराज हूँ कि मैं कैसे नसीम साहब की तरफ से गाफिल रही। उनकी गद्दारी का अंदाजा आखिर क्यों ना कर सकी मैं। विक्टोरिया ने पहले मुझे फिर आपको जिम्मेदार ठहराया। नसीम साहब के गद्दारों से ताल्लुकात के मुतालिक मुझे बाद में इल्म हुआ और उनके निजी इख्तलाफात की वजह से उन्हें मार दिया गया। अगर आपको पहले मालूम हो जाता तो क्या करती? मैं फौरन शराकत दारी खत्म करके जो भी मुनासिब होता वो करती। यकीन कीजिए मैं आपकी और इस रियासत की वफादार हूँ। अगर आपने मुझे नजरअंदाज करते हुए सबातिन को रकम भेजने की कोशिश की तो मैं आपको आपके हुकूक मुआफ नहीं करूंगा। आसपास असलहे के साथ पहरा दो, जिस पर भी शक हो गोली मार दो। हकीकी इंकलाब का जो नारा लगाया है उसके लिए खून बहाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। करासू, तुम और गारो आर्मेनियों की हिमायत के साथ पेरिस चले जाओ। सबाहद्दीन को ये यकीन होना चाहिए कि वो अकेले नहीं है। जब तक जरूरत ना हो हरगिज लड़ना मत। अगर वो हमला करें तो जवाब देना। सबको यकीन होना चाहिए कि जुआ खाना एक महफूज जगह है। लेकिन हमला क्यों नहीं किया? यकीनन उनका मंसूबा कुछ और है, बजाहिर वो लड़ना नहीं चाहते।